नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की रिमांड पर हैं। सुशील की गिरफ्तारी के बाद सागर हत्याकांड मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। पुलिस के मुताबिक सुशील और उसके साथियों ने बदला लेने के लिए जूनियर पहलवान धनखड़ को मौत के घाट उतारा था। जानकारी के मुताबिक 4 मई को पहलवान सागर की हत्या हुई थी। जांच में पता चला है कि उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों ने सुशील कुमार की बेइज्जती की थी और इसी का बदला लेने के लिए उसने हरियाणा से गुंडे बुलाए थे। रात में इन गुंडों ने मारपीट की जिसमें सागर की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 और 5 मई की दरमियानी रात कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल, रविंद्र और अन्य का मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर सुशील पहलवान से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान उन लोगों ने सुशील पर हावी होकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उसे देख लेने की धमकी देते हुए दौड़ाया भी। ये बेइज्जती सुशील पहलवान को नागवार गुजरी। उसने खुन्नस और तनाव में आकर उसी दिन बदला लेने की ठान ली। इसके लिए सुशील ने कुख्यात नीरज बवाना और काला सौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया। पुलिस का कहना है कि 4 मई को दिन में सुशील जब छत्रसाल स्टेडियम आए तब उनके साथ ज्यादा पहलवान नहीं थे। झगड़े के बाद सुशील स्टेडियम से चला गया, लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने तुरंत उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। अजय और अन्य साथियों के साथ मिलकर सुशील ने बदमाशों को फोन कर तुरंत हरियाणा से दिल्ली बुला लिया। पहले किसी अन्य जगह पर सभी जमा हुए, वहां कई ने शराब पी खाना खाया। इसके बाद 5-6 कारों में सवार होकर वो लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में रविंद्र के घर पहुंचे, जहां से रविंद्र और उसके साथी विकास को उन लोगों ने अपनी कार में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन स्थित सोनू के फ्लैट के पास पहुंचे। वहां से सोनू, सागर, अमित और भक्तू को कार में बैठाकर सभी को रात करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम ले आए। यहाँ पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों को घेर कर सुशील और उसके साथियों ने लाठी डंडे हॉकी स्टिक आदि से बुरी तरह जानवरों की तरह पीटा। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार उसके साथियों ने पहलवान सागर धनखड़ की 1.5 घंटे तक पिटाई की। आरोपी सागर पर बेसबॉल का बैट, हॉकी और डंडे बरसाते रहे और उन्होंने सागर धनखड़ की 30 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर थे, उसकी सिर की कई हड्डियां टूटने और दिमाग में चोट लगने से मौत हुई थी। कोर्ट को पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने सागर, सोनू और अन्य की जानवरों की तरह पिटाई की थी। सोनू को पेशाब पिलाने की भी कोशिश की गई थी। बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।